आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। गोला तहसील के अंतर्गत मैलानी में शासन के निर्देश पर एआरटीओ ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, जिसके चलते उन्होंने एक प्राइवेट बस, एक स्कूल वाहन के प्रपत्रों में कमी जाने, वाहनों की फिटनेस निरस्त व टैक्स जमा होने के चलते वाहनों को सीज कर थाने में खड़ा कर दिया गया। परिवहन अधिकारी ने बताया वाहन चेकिंग अभियान इसी तरह जारी रहेगा। एसके लाइव न्यूज से ब्यूरो चीफ सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट। स्कूली मैजिक पकड़ा गया है, क्या कहते हैं, बच्चों को ले जा रहा था जी, उसकी फिटनेस और टैक्स 2017 से बताया था जी, इसलिए हमने उसको सीज किया है और बच्चों को हमने एक वैकल्पिक माध्यम से मैजिक से ही भिजवाया है, जिसके कि वाहन कागजात सही थे। हमारा अनुरोध है स्कूल प्रबंधन से भी कि सभी लोग जो भी वाहन चल रहे हों उनके कागज सही रखें, जैसे कि बच्चों की परीक्षा न चले जी, जैसे कि ओवरलोड करने के और ऊपर कार्रवाई हमने करता है। हैदराबाद हमने बंद किया है और कुछ गाड़ियों को हमने चीनी मिल में सीज किया है। हर जगह में क्या कारण था, फिटनेस नहीं थी क्या इसमें, मैजिक को लिखे मैजिक की फिटनेस नहीं थी, इसका टैक्स नहीं था, फिटनेस 2017। आज लखीमपुर ज़िले में आज जो अभियान चला है गाड़ियों को लेकर, बकाया कर में हमने एक बस को सीज किया है जो कि पैसेंजर्स को लेकर जा रही थी और इसको हमने मैलानी में सीज किया है और एक बस को बकाया कर में और ओवरलोड सवारियों को ढोते हुए हमने हैदराबाद में सीज किया है बस और चार हमने वाहन सीज किया है हैदराबाद में। हमारा अनुरोध यह है जितने भी वाहन स्वामी हैं अपने बकाए कर को जल्दी से जल्दी जमा करें जिससे कि उनको परेशानी ना हो। जैसे कि बस में अभी आपके एक सिपाही सवार थे, हाँ बस में ड्राइवर चालक जो है चालक द्वारा थोड़ा व्यवधान उत्पन्न किया गया बस को लेके और हमारे सिपाही को लेके, बस वाला भाग रहा था दूर, फिर हमने फोन आया, हमने फिर उसको पकड़ा, अब पकड़ के फिर बस को यहाँ सीज किया है और चालक को, चालक गाड़ी छोड़ के भाग। तो ओवरलोड पर और अन्य कार्रवाई कैसे क्या होगी? ओवरलोड पर भी लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमेशा होती रहेगी, थोड़ा सुरक्षा जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर कि सुविधाओं को ध्यान देना चाहिए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।